नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो है महाराष्ट्र इलेक्शन पर। महाराष्ट्र इलेक्शन पर यूँ तो लाखों वीडियोस अब तक अपलोड हो रहे हैं और उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वजह से चुनाव हार गए, इस वजह से लोग चुनाव जीत गए, एकनाथ शिंदे ने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा हमने समय लिया और समय लेने के बाद हमने ये पता किया आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि महाराष्ट्र में उनका जादू सिर चढ़कर बोला। फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे झारखंड इलेक्शन के बारे में, आखिर क्या ऐसा हो गया कि झारखंड इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। बहरहाल, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सफलता ने राज्य और देश भर में राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 139 सीटें मिली। महायुक्ति संगठन जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP शामिल है, ने कुल 234 सीटें जीतकर सरकार बनाई। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो MVA को कुल 48 सीटें मिले। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की NCP को 10 सीटें मिली। इस जीत के पीछे केवल एक या दो कारण नहीं है बल्कि कई कारणों का परिणाम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का महाराष्ट्र के लोगों पर बड़ा असर पड़ा। जनता के लिए योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और गरीब कल्याण अन्य योजना जैसी योजनाओं ने गरीबों और मिडिल क्लास के मतदाताओं का समर्थन बीजेपी को दिलाया। अगर बात करें राष्ट्रीय पहचान की तो मोदी सरकार की डबल इंजन वाली सरकार का प्रचार जहां केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी खूब लोकप्रिय हुआ। दूसरा है देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व। देवेंद्र फडणवीस को एक सक्षम और मेहनती नेता के रूप में जाना जाता है, उनकी स्थानीय पहचान है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में अपनी छवि को मजबूत रखा था। वहीं उनका इमेज और विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद फडणवीस की छवि जनता के बीच हमेशा से साफ सुथरी रही। उनकी योजनाओं ने किसानों और शहरी मतदाता दोनों को प्रभावित किया। तीसरा जो सबसे बड़ा वजह बताया जा रहा है वो है शिवसेना में दो धड़ों में बंटने से बीजेपी को फायदा हुआ। जी हाँ, एकनाथ शिंदे गुट, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कमजोर हुई तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन किया। वहीं ये विभाजन शिवसेना के पारंपरिक मराठा वोट बैंक को तोड़ने में काफ़ी कारगर साबित हुआ। अब हम बात करते हैं संगठनात्मक मजबूती पर। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा महाराष्ट्र में बेहद मजबूत है। बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और घर घर पहुँच बनाई। पार्टी के कैडर की मेहनत और अनुशासन ने बीजेपी को अन्य पार्टी से आगे रखा। महाराष्ट्र की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि पूरे देश की राजनीति में जाति की राजनीति तो होती ही रहती है। बीजेपी ने OBC और मराठा मतदाताओं के बीच अपना समर्थन मजबूत किया और इस बीच स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान रखा। विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों के लिए विशेष योजनाएं बनाकर बीजेपी ने क्षेत्रीय असंतोष को काफ़ी दूर कर दिया। सबसे बड़ा वजह रहा वो था विपक्ष की कमज़ोर रणनीति। महाविकास अघाड़ी MVA गठबंधन जिसमें शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और NCP शामिल है, अपने आंतरिक मतभेद से पूरे इलेक्शन जूझता रहा, जिसका असर ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे। उसके बाद क्या हुई, विपक्षी दलों में सीट बंटवारे और प्रचार रणनीति में समन्वय की कमी, जिस वजह से बीजेपी के लिए ये एक वरदान साबित हो गया। हालांकि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी डिजिटल कैंपेन के लिए कितनी फेमस है। बीजेपी ने
इस युग के अनुसार डिजिटल का काफ़ी यूज़ किया। खासकर बीजेपी ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई। वहीं बड़े नेताओं की रैली और रोड शो ने जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया। हालांकि बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर लगातार फोकस करती रहती है और प्रमुखता बताती है। इसका एक व्यापक असर मतदाता वर्ग में होता है। खासकर बीजेपी दो बड़े मुद्दों को लेकर आती है, जो एक भावनात्मक मुद्दा भी है, जिसमें धारा 370 और राम मंदिर है। इन मुद्दों ने पार्टी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी लाभ पहुँचाया। वहीं राष्ट्रवाद को भी बीजेपी बार बार लाती है। राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर देकर बीजेपी ने विपक्ष को पीछे छोड़ दिया। देखिए, बीजेपी ने महाराष्ट्र में मजबूत स्थानीय नेताओं को उभरने का मौका दिया। क्षेत्रीय नेताओं का काफ़ी महत्व रहा। राज्य स्तर पर स्थानीय नेताओं को प्रोत्साहन देकर जनता का विश्वास भी जीता गया। वहीं गठबंधन की राजनीति की बात करें तो छोटे दलों और निर्दलीय नेताओं के साथ गठजोड़ ने बीजेपी की स्थिति को काफ़ी मजबूती प्रदान की। और सबसे बड़ा मुद्दा जिस वजह से बीजेपी चुनाव जीती है, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। बीजेपी ने विकास और स्थिरता के वादे को प्रमुखता दी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि मुंबई मेट्रो, समृद्धि महामार्ग और अन्य परियोजनाएं जनता के लिए बीच काफ़ी लोकप्रिय रहीं। किसानों के लिए योजनाएं एवं रोजगार के वादे ने ग्रामीण और युवा मतदाताओं को बीजेपी की ओर आकर्षित किया। तो दर्शकों, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत केवल चुनावी रणनीति का नतीजा नहीं था, बल्कि ये पार्टी की दूरदर्शी सोच, मजबूत नेतृत्व और गहराई से योजनाबद्ध संगठनात्मक कार्य का परिणाम था। शिवसेना के विभाजन और विपक्ष की कमजोरी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया। विकास के एजेंडे और राष्ट्रीय मुद्दे को उभार कर बीजेपी ने अपने वोट बैंक को न केवल बरकरार रखा, बल्कि उसे और बढ़ाया। भाजपा की इस जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है, जिससे राज्य और केंद्र के बीच राजनीतिक समीकरण और गहरे हो गए हैं। बहरहाल दर्शकों, अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव कैसे जीती। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।